जिला कलेक्टर अजमेर ने एक आदेश जारी कर उपकरण अधिकारी मृदुल सिंह को ब्यावर नगर परिषद में आयुक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर बुधवार को एसडीएम सिंह ने नगर परिषद ब्यावर आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान वर्तमान कार्यवाहक आयुक्त तथा नगर परिषद सचिव विकास कुमावत ने सिंह को कार्यभार सौंपा। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आयुक्त सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों तथा प्रभारियों के साथ बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उपस्थित अधिकारियों तथा प्रभारियों को अपने अपने विभागों के कार्यों को मुस्तैदी से अंजाम देते हुए आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही आमजन की ओर से पट्टों के लिए किए गए आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कर उन्हें पट्टे जारी करने के भी निर्देश दिए। मालूम हो कि ब्यावर नगर परिषद के निवर्तमान आयुक्त गुरुदेव सिंह की तबीयत खराब होने के कारण वे अवकाश पर चल रहे हैं। आयुक्त के अवकाश पर होने के कारण परिषद सचिव विकास कुमावत अब तक कार्यवाहक आयुक्त के रूप में परिषद की कमान संभाल रहे थे, लेकिन वर्तमान में चल रहे महंगाई राहत शिविरों को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर एसडीएम सिंह को नगर परिषद ब्यावर आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के निर्देश दिए थे। पदभार ग्रहण करने के बाद आयुक्त सिंह ने कहा कि आमजन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। सकारात्मक सोच के साथ शहर हित तथा विकास के कार्य होंगे। आमजन के मन में नगर परिषद के लिए बनी धारणा को ब्रेक किया जाएगा। आयुक्त सिंह ने कहा कि पुराने जो भी प्रकरण में शिकायतें हैं उनका भी निस्तारण करेंगे। नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह जी के मेडिकल अवकाश पे जाने की वजह से कलेक्टर महोदय अजमेर ने मुझे एसडीएम ब्यावर मृदुल सिंह को नगर परिषद आयुक्त का चार्ज दिया है। तो जो कि अभी महंगाई राहत कैंप प्रशासन शहरों के संग कैंप चल रहे हैं, इसको देखते हुए नगर परिषद का कोई काम पेंडिंग ना रहे, वह सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और जो सारी की सारी स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुँचाना है वो सुचारू रूप से होता रहे, इसलिए यह चार्ज दिया गया है। इसमें प्रायोरिटी तो यही रहेगी कि मैक्सिमम लोगों के जो 69 ए के पट्टे हैं, जो पुरानी आबादी बसी हुई है, जो माननीय सीएम साहब की दिल से मंशा है कि 18 साल से पुराने जो घर बसे हुए हैं उनको पट्टा दिया जाए, उसमें अनेकों बार नियम में चेंज कर दिया गया है और इतना सुविधाजनक बना दिया गया है, तो इसका लाभ आम जन तक पहुँचे, इसी को देखते हुए आगे हम प्रस्थान करेंगे। सेकेंडली MRC कैंप महंगाई राहत कैंप पूरे शहर में 8 जगह लगाए जा रहे हैं स्थाई, और 2 प्रशासन शहरों के संग लगेंगे। इसमें सारी सुविधाएं व व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हों, ये एक मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि अब गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों का आना कम नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं मेजर लोकेशन जैसे चांगेट हो गया, भीड़ बहुत लंबी होती है, तो वहाँ पे जनहित की बेसिक सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। वह देखने में आया है कि काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती है नगर परिषद से कि अगर कोई काम आता है या कोई कंप्लेन होती है, कोई जनसुनवाई होती है, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। ये पिछले 3-4 महीने में मैंने भी अपने कार्यकाल में नोट किया था, तो इसको गंभीरता से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। वह सारे अधिकारियों को ये क्लियर आदेश दिया जाएगा कि जो काम या जो कंप्लेन उनके पास आए, जो एप्लीकेशन आए या जो फाइल आए, उस पर वह समयबद्ध तरीके से टिप्पणी करें, वह आगे फाइल को प्रोसीड करें, ताकि नगर परिषद ब्यावर के क्षेत्र अधिकार में रहने वाले ब्यावर वासियों को सारी की सारी सुविधाओं का सब समय